बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गाजेज ला की एप्लीकेशंस करेंगे। गाजेज ला हम पढ़ चुके हैं, तो विद हेल्प ऑफ गाजेज ला वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डिफरेंट केसेस हम लेंगे। फर्स्ट केस होगा, हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। और दूसरी जो एप्लीकेशन है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। और तीसरा जो है वो हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो इन तमाम केसेस में हम चार स्टेप्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि एन इमेजिनरी क्लोज सर्फेस इज़ कंसिडर्ड विच पासिस टू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ टू बी एवेल्यूएटेड। यानी जिस पॉइंट पे हमें कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉज़ेज़ लॉ जो है दैट इज़ एप्लीकेबल टू द क्लोज सर्फेस ओनली, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द पॉइंट। इसलिए उस पॉइंट पे हम एक इमेजिनरी सर्फेस कंसिडर करेंगे, इमेजिनरी क्लोज सर्फेस, वो किसी भी शेप में हो सकती है। तो वो हमारी चॉइस होगी कि हम वो सर्फेस किस शेप की लेते हैं। और दूसरा स्टेप ये होगा, और उस सर्फेस को हम गाजियन सर्फेस कहते हैं। वो जो इमेजिनरी क्लोज सर्फेस हम लेंगे जो उस पॉइंट से पास करेगी जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, उस इमेजिनरी सर्फेस को, क्लोज सर्फेस को हम गाजियन सर्फेस का नाम देंगे। दूसरे स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला ई डॉट ए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरे स्टेप में हम गाजेज लॉ अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। हमें पता है कि गाजेज लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो दूसरे स्टेप में भी फ्लक्स हमने मालूम किया है, तीसरे स्टेप में भी फ्लक्स हमने मालूम किया है, और आखिरी स्टेप में हम इन दोनों की मदद से इक्वेशन वन और टू की मदद से इंटेंसिटी मालूम कर लेंगे, क्योंकि इन दो इक्वेशंस में लेफ्ट साइड जो है इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे और विद हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस वन एंड टू वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। यानी हमारे पास एक ये चार्ज स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। हमने इसके इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो जैसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले स्टेप ये होगा कि जहां हमने इंटेंसिटी मालूम करनी है वहां पे हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेंगे जिसको हम गाजियन सरफेस कहते हैं। तो क्योंकि हमने इसके इनसाइड मालूम करनी है इंटेंसिटी, तो इसके इनसाइड हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो ये मैंने एक क्लोज सरफेस ली, दैट इज़ इमेजिनरी क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, और इस स्फीयर का रेडियस है आर डैश, और इस सरफेस को हम नाम देंगे गाजियन सरफेस का। तो हमने ये गाजियन सरफेस ली इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश। ये स्टेप नंबर वन हो गया। और सेकेंड स्टेप में तो हम फ्लक्स मालूम करेंगे इस गाजियन सरफेस का इस फार्मूले से। तो phi बराबर आ गया E डॉट A, इसको इक्वेशन नंबर हमने वन कर दी, ये फ्लक्स है इस गाजियन सरफेस का। और थर्ड स्टेप में हम गॉज़ेज़ लॉ अप्लाई करेंगे, गॉज़ेज़ लॉ के मुताबिक फ्लक्स बराबर होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू जो है दैट इज़ द चार्ज इनक्लोज बाय गाजियन सरफेस। ये हम फ्लक्स मालूम कर रहे हैं गाजियन सरफेस का। तो आप देखें गाजियन सरफेस जो है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स कि क्यू ज़ीरो के बराबर है। अगर क्यू ज़ीरो है तो फ्लक्स भी ज़ीरो के बराबर आएगा। तो गॉज़ेज़ लॉ से इस गाजियन सरफेस का फ्लक्स ज़ीरो आ गया। और फोर्थ स्टेप में हम इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे। आप देखिए यहाँ पे फ्लक्स ई डॉट ए के बराबर है, यहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो है। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम देख सकते हैं कि ई डॉट ए को हम ज़ीरो के बराबर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो क्वान्टिटीज़ जब मल्टीप्लाई होकर आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो ए ज़ीरो है या ई ज़ीरो है। तो हमें ये सरफेस नज़र आ रही है, इसका एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचती है कि इंटेंसिटी ज़ीरो है। तो सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर इज़ ज़ीरो, दस द इंटीरियर ऑफ द हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इज़ फील्ड फ्री रीजन। यानी
उसके अंदर कोई फील्ड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो गई है। तो दूसरी एप्लीकेशन हम करते हैं गॉसेस लॉ की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट हीट ऑफ चार्ज। जैसे सपोज करें कि आपके पास ये एक शीट ऑफ चार्ज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका इन्फिनाइट होना ज़रूरी नहीं है। अगर शीट की बिल्कुल करीब हम कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो शीट्स वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द शीट, तो उस शीट को भी हम इन्फिनाइट कह सकते हैं। यानी ऐसा पॉइंट अगर हम लेते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी मालूम करनी है, उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इस शीट से बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द शीट, तो हम उस शीट को इन्फिनाइट शीट कह सकते हैं। तो ये वो पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनाइट शीट है जिसकी वजह से हमने जो इंटेंसिटी मालूम करनी है पी पॉइंट पे, पी इज़ द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टेप वन में हमें पता है कि हम जो गॉसेस लॉ है वो किसी पॉइंट पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो जो गॉसेस लॉ है वो क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, इसलिए हम पहले स्टेप में एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं वो लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो ये हमने गॉसियन सरफेस ली है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और हुज वन एंड फेस कंटेनिंग द पॉइंट पी, और पी पॉइंट उसके फेस वन में है। तो आपको पता है जो सिलेंड्रिकल शेप है इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम पार्ट नंबर वन कह देते हैं, इसको हम पार्ट नंबर टू कह देते हैं, और एक इसकी कर्व सरफेस है। तो दूसरा स्टेप जो है उसमें हमने फ्लक्स मालूम करना है थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि गॉसियन सरफेस हमने इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ली है और वो इस शीट से पास कर रही है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके हमने तीन फेस ले लिए, एक ये जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है इसको फेस वन कह देते हैं, एक पीछे फेस टू कह देते हैं, और तीसरा जो है दैट इज़ द कर्व सरफेस। तो यानी जो टोटल फ्लक्स है उसको हम तीन लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स ऑफ द एंड फेस वन, यानी इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस फेस से, इसको फाई वन का नाम दे दिया। दूसरा इससे कितना पास हो रहा है ये उसको फाई टू का नाम दे दिया। तीसरा ये जो कर्व सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको फाई थ्री का नाम दे दिया। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वही होती है जो फील्ड लाइन की है, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम ये लेंगे, और एरिया की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है, यानी इसके हम नॉर्मल लेंगे ऐसे, ये दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ई और ए जो है इनकी डायरेक्शन सेम है, तो जो फाई वन आएगा द फ्लक्स टू द एंड फेस वन ये बराबर होगा ई डॉट ए के, दैट इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ ज़ीरो, कॉज ज़ीरो वन होता है इसलिए ये बराबर आ जाएगा ई ए के। इसी तरह जो सेकेंड फेस है इसका जो फ्लक्स आएगा वो भी इसी तरह ये ई की डायरेक्शन ये ए की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई डॉट ए ई ए कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन होता है, ये भी ई ए के बराबर आ जाएगा। तीसरा जो है ये आएगा कर्व सरफेस का, ये आएगा ई डॉट ए ई ए कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 क्यों, क्योंकि जो कर्व सरफेस है तो इसमें जो एरिया की डायरेक्शन हम लेंगे वो इसके परपेंडिकुलर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर केस में ई की डायरेक्शन तो सेम रहेगी जबकि एरिया की डायरेक्शन जो है वो ये होगी या ये होगी, या हम किसी भी डायरेक्शन में इसको शो कर सकते हैं इसके परपेंडिकुलर। तो हर सिचुएशन में ई के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। आप यहाँ पे देख लें, इधर देख लें, इसको अगर हम ऐसे लेते हैं या ऐसे लेते हैं, कोई भी एंगल हम किसी भी तरफ से अगर हम देखेंगे तो एंगल जो हमेशा 90 बनेगा, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो इसलिए ये फ्लक्स ज़ीरो आ जाएगा। यानी फाई वन की वैल्यू आ गई ई ए, फाई टू की वैल्यू भी ई ए के बराबर आ गई, फाई थ्री की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो टोटल फ्लक्स बराबर आ गया टू ई ए। ये सेकेंड स्टेप कम्प्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द फ्लक्स इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, दैट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस।
तो यहाँ पे हमने इसको क्यू से लिख दिया है। तो यहाँ और सिग्मा जो है, सिग्मा इसको हमने यहाँ पे लिखा है, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से जो चार्ज है ये बराबर आएगा सिग्मा इंटू ए के, यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना चार्ज भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ये एरिया कम है तो इसमें चार्ज कम है, अगर सिलेंडर बड़ा होगा तो उसका एरिया भी बड़ा होगा, उसमें चार्ज भी ज़्यादा आएगा। तो वो इस इक्वेशन से हम चार्ज इस गाजियन सरफेस में कितना इनक्लोज है मालूम कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम वैल्यू लगाएं तो ये वैल्यू आएगी 1/ε0 टाइम्स इंटू सिग्मा ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमने टोटल फ्लक्स मालूम कर लिया गाजियन सरफेस का विद हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, और सेकेंड स्टेप में हमने टोटल फ्लक्स मालूम किया 2EA विद हेल्प ऑफ फार्मूला ई डॉट ए। तो फोर्थ स्टेप जो है उसमें हम मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आखिरी स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम देख सकते हैं कि 2EA बराबर हो जाएगा वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू सिग्मा ए। ये भी फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल ले लिया। तो यहाँ से ए ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर आएगा सिग्मा ओवर, ये टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो तीसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स। जैसे आपके सामने दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे ये दो प्लेट्स हैं ऐसे, इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान में हमने कोई पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो चार्ज जो है ये इनर सरफेस पे है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जैसा कि पहले बताया है कि पी जहाँ पे हमने इंटेंसिटी मालूम करनी होती है जिस पॉइंट पे, तो गॉसेस लॉ से हम पॉइंट पे अप्लाई नहीं कर सकते गॉसेस लॉ को, उसको हम क्लोज सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो पहले स्टेप में हम इमेजिन करते हैं एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स, बॉक्स की फॉर्म में हम वो लेते हैं। उसकी यहाँ पे मैं आपको बाउंड्री दिखा देता हूँ, ये बॉक्स की, दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ द बॉक्स। तो इसकी जो अपर सरफेस हमने ली है विद इट्स टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट, जो इसकी टॉप हमने ली है दैट इज़ इनसाइड द मेटल प्लेट। तो स्टेप 2 में हम मालूम करेंगे फ्लक्स टू द गाजियन सरफेस। तो इस सरफेस को, इस गाजियन सरफेस को हमने डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में। एक है फ्लक्स टू द टॉप, यानी ये जो टॉप होगा इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, उसको हमने फाई वन का नाम दे दिया है। और उसकी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होती हैं बॉक्स की। अगर आप बॉक्स को इमेजिन करें तो एक टॉप, एक बॉटम और उसकी 4 साइड्स। तो फ्लक्स टू द साइड्स ऑफ बॉक्स, उनको मैंने फाई टू का नाम दे दिया है। और तीसरा होगा फ्लक्स टू द बॉटम। तो अगर हम गौर करें कि फ्लक्स बराबर होता है फाई वन जो है, दैट इज़ द फ्लक्स ऑफ द टॉप, वो बराबर होगा ई डॉट ए के, और ये होगा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू इनसाइड द मेटल प्लेट ई ज़ीरो होता है, इनसाइड मेटल प्लेट ई ज़ीरो होता है, इसलिए फाई वन ज़ीरो हो जाएगा। जबकि जो फाई टू है ये बराबर होगा ई डॉट ए, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि ये बराबर आएगा ई ए कॉज 90। जो साइड्स हैं, जैसे ये 4 साइड्स होंगी, एक साइड ये होगी, तो यहाँ पे जो साइड होगी इसका एरिया की डायरेक्शन ये है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ये है।
जबकि एरिया की डायरेक्शन आएगी ये एरिया की डायरेक्शन आएगी, तो आप देख रहे हैं 90 के एंगल बन रहे हैं। इसी तरह इस साइड पे भी एरिया की डायरेक्शन ये होगी जबकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह जो फ्रंट साइड होगी उसमें एरिया की डायरेक्शन ये आएगी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही रहेगी, यहाँ पे भी 90 का एंगल मिलेगा। जो पीछे सरफेस जो साइड होगी वहाँ पे भी ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो 90 बनेगा, तो हर केस में 90 का एंगल बनेगा, इसलिए ये फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी फाई वन भी ज़ीरो हो गया, फाई टू भी ज़ीरो हो गया, जबकि जो फाई थ्री है ये बराबर आएगा ई डॉट ए, ई ए कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ये बराबर आ जाएगा ई ए के, क्योंकि यहाँ पे ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन सेम आ गई है। ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड और एरिया की भी नॉर्मल टू द प्लेन होती है वो भी डाउनवर्ड हो जाएगी, तो दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो बनेगा। तो हमारे पास अगर ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करें तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी फाई वन आ जाएगा ज़ीरो, फाई टू भी ज़ीरो, और फाई थ्री की वैल्यू आई है ई ए, तो फाई बराबर आ जाएगा ई ए के, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। तो स्टेप थ्री में हम मालूम करेंगे फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉज़ेस लॉ, टोटल फ्लक्स टू द गाजियन सरफेस इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो टोटल चार्ज जो इनक्लोज होगा वो बराबर होगा सिग्मा ए के, वो हम बता चुके हैं पहले, सिग्मा इज द चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू बराबर आएगा इंटू सिग्मा ए के, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आएगी वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू सिग्मा ए, इसको इक्वेशन नंबर थ्री टू कह देते हैं। और स्टेप फोर में हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ये भी फ्लक्स आ गया और गाजियन सरफेस का, और ये भी फ्लक्स आ गया गाजियन सरफेस का। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमारे पास ई ए बराबर होगा वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू सिग्मा ए, तो ए ए से कैंसिल हो जाएगा और ई बराबर आएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स।